त्योहारों के मौसम में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, बाजारों में खूब रौनक है। लेकिन बात करें फर्नीचर मार्केट की तो यहां पर अब भी सन्नाटा छाया हुआ है, मंदी का माहौल है, जिसके कारण चंडीगढ़ की फर्नीचर मार्केट में दुकानदार काफी नाखुश हैं। फर्नीचर मार्केट में दुकानदारों को ग्राहक ढूंढकर भी नहीं मिल रहा है। पंजाब केसरी की टीम ने सेक्टर 53 स्थित फर्नीचर मार्केट का दौरा किया और पाया कि त्योहारों के इस मौसम में भी फर्नीचर मार्केट सुनसान है। दुकानें तो सजी पड़ी हैं, लेकिन कोई ग्राहक नहीं है। बता दें कि त्योहारों के मौके पर लोग अक्सर नया फर्नीचर खरीदते हैं। पहले इस मार्केट में त्योहारों के मौसम में काफी भीड़ रहती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार महंगाई की मार देखने को मिल रही है। कोरोना काल के बाद अब थोड़ा बहुत कारोबार खुला था, लेकिन पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ गई है। इस बार पिछली बार के मुकाबले 20% कम भी नहीं है। पहले ही वह कोरोना की मार झेल रहे थे और अब एक बार फिर उन्हें महंगाई की मार का असर झेलना पड़ रहा है। फुल डाउन है जी, 10% भी काम नहीं है जी। क्या वजह मांगते हैं? या महंगाई मांगते हैं, क्या कर सकते हैं जी। हम तो काम करने वाले सेलमैन है जी, बाबू बताएंगे। इस बार तो इस हिसाब से है कि दुकानदार अपने चेहरा देख देख कर, एक दूसरे दुकानदार के रहा देख देख कर अब संतोष कह रहा है, समझ रही हो। इतना परेशान है, देश के अंदर पैसा ना है, देश इतने कन लीलाम पर जा रहा है, ये हमारी मोदी सरकार है। तो फर्नीचर काम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ना है। देख रहे हो कैसे बेले बैठे हैं, जैसे कोई दूसरे देश से हम भगाए भे हों, यहाँ आश्वासन लिया है ना करे देश के अंदर। बहुत बुरा हाल है। क्या वजह मानते हैं फर्नीचर ना बिकने? जब देश के अंदर पैसा नहीं होगा तो कौन खरीदेगा इसको? डीजल पेट्रोल महंगाई चरम पर है। सरकार हमारी पता नहीं कौन कुंभकर्ण करी नींद सो रही है, कब जागेगी ऐसा भी कोई आश्वासन ना दे रहे हम लोगों को। यहाँ लेबर बैठे हैं, लेबर को पैसे देने को सर चढ़ रहे हैं, मगर लेबर देने पैसे देंगे कहीं से लग दें, लेबर तो छोड़ेगी नहीं। हम मजबूर हैं, मजबूरी से बैठे हैं। कुछ किसानों की मार पा रही है, दिल्ली से जो माल आता था उसकी वजह से क्या है कि उन्होंने रास्ते बंद कर रखे, गाड़ियाँ घूम के आ रही हैं, उस GST ज़्यादा पड़ रहा है, GST पै गया हमारे पर, उसी वजह मेन कारण महंगाई भी हो सकती है इसकी वजह। पेट्रोल की वजह मेन तो यही है। पेट्रोल की वजह से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए, दाम बढ़ गए, हर बंदे के पास किसी के पास पैसा नहीं है, वो का घर का खर्चा चलाना होगा, फर्नीचर का ऑन खरीदने आएगा हमारे पास। सर इस मार्केट इस वरी तक 10% भी ग्राहक कोई नहीं है। इस टाइम जिन्नी सेल होंगी सी ना, जब गैस करो कि अगर पिछले दिन जो साड़ी 10,000 रुपये की सेल है तो इस टाइम 1,000 रुपये की सेल रह गई हो। उसका कारण यह है कि जिमें कि पेट्रोल दिनों दिन बढ़ता जा रहा, जिहड़ा काम है सारा वो ट्रांसपोर्ट से ही है। जिन्ना भी एक पत्थर तो लेके चाहे तुसी किसी भी मटीरियल तक लगा लो, वो सारा काम उसते है पेट्रोल से। जिन्ना ट्रांसपोर्ट महंगा हो जा रहा उन्ना मटीरियल महंगा हो जा रहा है ना, चाहे वह फर्नीचर है, चाहे गोल्ड है, चाहे वह फैब्रिक है, हरेक चीज़ के फर्क आ रहा है। कोरोना की मार झेल रहे फर्नीचर मार्केट के इन दुकानदारों को त्योहारों से काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन ग्राहकों के न आने से ये इस बार भी परेशान हैं और इसकी वजह बढ़ती महंगाई को बता रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।